हेलो दोस्तों, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हमारे यहाँ बनेगी बमचिक मछली। इसको सांप वाली मछली भी कहा जाता है। तो दोस्तों साथ में बने रहिए, पूरी वीडियो हमारी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों तो ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ वीडियो पर ही फोकस करेंगे और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि मछली को किस प्रकार से बनाना होता है। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अब मछली की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मछली को किस प्रकार से काटना है तो देखते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और भी बता दूं इस मछली के बारे में, ये मछली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसका जो गोश्त होता है वो एकदम आपको एकदम मटन जैसा गोश्त लगेगा, एकदम लाजवाब। तो देखिए किस प्रकार से इसको काटा जाता है। दूसरी चीज़, इसमें मछली के छिलके वगैरह नहीं होते हैं और ये सिंगल कांटे की मछली होती है और इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो देखिए नानी इस समय प्याज काट रही हैं। तो दोस्तों नानी ने चूल्हा अब जला लिया है और आज चूल्हे पर ही खाना बनेगा। दोस्तों आप लोगों को कितना चूल्हे का खाना अच्छा लगता है? भाई हमारे यहाँ तो अधिकतर जो खाना बनता है वो चूल्हे में ही बनता है और चूल्हे का खाना दोस्तों बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत मज़ा आता है। चूल्हे की रोटी, गोश्त, मछली और उसकी जो सोंधी सोंधी जो खुशबू होती है वो और मज़ेदार होती है। तो इसको पहले नानी ने फ्राई कर लिया है मछली को और अब इसमें मसाला साला डाल करके बढ़िया इसको पकाएंगी। देखिए प्याज और मिर्ची नानी ने डाला है, इसको लहसुन और लहसुन है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके बढ़िया सा इसको ये डाल दिया मसाला, लाल मिर्च, हल्दी। अब इसको भुंजाएगा बढ़िया से और भुंजाने के बाद में फिर मछली इसमें डालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। अब वीडियो को ज़रूर लाइक तो ज़रूर करिएगा, अगर आप देहात से हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों देखते रहिए और बने रहिए साथ में। तो दोस्तों मछली पक कर के हो गई है तैयार। देखिए कितनी लाजवाब ग्रेवी बनी है, मुंह में पानी आ रहा है। चलिए दोस्तों अब नानी हमारी खा के बताएंगे, बच्चे खा के बताएंगे कि कैसा बना है और कितना मज़ा आया है खाने में। देखिए कितनी बेहतरीन। तो अब इसका जो स्वाद है वो स्वाद लिया जाएगा कि किस प्रकार से इसको टेस्ट भी करेंगे। देखिए हाँ देखो इसको बहुत पसंद आया। देखा नानी ने भी मुस्कुरा दिया है क्योंकि नानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब भाई नानी ने मेहनत करी है तो पसंद तो वही पे करेगा। क्या बाबू अच्छा बनल ना?